चलिए, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। कितनी चीजों की जरूरत होती है इसके लिए? दो चीजों की, एक नॉर्मल कंपास और एक डिप सर्कल। नॉर्मल कंपास को हॉरिजॉन्टली इधर उधर घुमाने से आप क्या पता कर सकते हो? मैग्नेटिक मेरिडियन। उसमें जाके डिप सर्कल को अगर रख दोगे तो जो नीडल है वो वर्टिकल में रोटेट कर सकती है, जहां पॉइंट करेगी वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। कोई दिक्कत थी इसके अंदर? नहीं। चलिए आगे, अगली हेडिंग लिख लो। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए सर, अपेरेंट डिप और ट्रू डिप का मतलब क्या होता है? आज होने वाला था, मैं समझ, इन्होंने बताया लोगों ने कि वो पेपर में आ गया आपके, है ना? मुझे काफी अफसोस है, इसे सिर्फ बुरी किस्मत ही कह सकते हैं कि हमने सब पढ़ा और जो चीज नहीं पढ़ी वही पेपर में, है ना? और ऑब्वियसली वो मैं पहले पढ़ा भी नहीं सकता था उस चीज को, क्योंकि वो आगे ही समझ में आ सकती है, जैसे कि अभी आपको समझ आएगा, है ना? यस। चलिए तो हेडिंग लिख लो, अपेरेंट डिप। सेलिंग के लिए बैठे थे क्या? तो देख तो रहे थे तुम। ठीक, तो अब अपेरेंट डिप का मतलब क्या है? जो रियल डिप नहीं है, एक्चुअल डिप है, पर आपको वो महसूस हो रही है। अब बात यह कि हमें ये समझ आ गया है कि अगर आपको किसी भी जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल कंपास और एक डिप सर्कल। किस्मत से आपके पास नॉर्मल कंपास नहीं है, पर आप तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हम डिप सर्कल की हेल्प से ही एक्चुअल डिप कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बिना मैग्नेटिक मेरिडियन का पता किए। वो कैसे? लिख लो, इसके अंदर मेथड है। सबसे पहले क्या किया जाता है, या पहले मैं अपेरेंट डिप का आपको मतलब बताता हूँ कि होती क्या है। वो ऐसा सोचो कि ये मान लो कि हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इस तरफ होगा BH, है ना, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा B वर्टिकल। अब आपके अपना, आपने वो इंस्ट्रूमेंट उठाया पर आपको ये नहीं पता कि मैग्नेटिक मेरिडियन है कहाँ, तो आपने कहीं भी रख दिया, ठीक है ना? इस तरह से ये मैंने प्लेन किसका है, ये प्लेन है जिसके अंदर की डिप सर्कल को रखा गया है, ठीक है? तो प्लेन इन विच डिप सर्कल इज कैप्ट, ओके। तो होगा क्या, ऐसा सोच के देखो, और मान लो कि ये जो एंगल था, ये आपका एंगल था कुछ ऐसा, क्यों सोच रहे थे अपन कुछ भी, अल्फा वन, ठीक है, अल्फा वन आपका एंगल था। अब आपका डिप सर्कल इस प्लेन के अंदर लाई करता है। अब ये सोच के देखो कि डिप सर्कल की जो नीडल है वो कहाँ पॉइंट करती है, जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में होते हो तो वो कहाँ पॉइंट करती है? वो पॉइंट करती है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्लेन है, व्हाइट वाला जो मैंने प्लेन बनाया है, इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा जो एक्चुअल में है या कुछ और होगा? वही होगा। आपको डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि वर्टिकल वाला तो दोनों के लिए कॉमन है, यानी जब आप अपने डिप सर्कल को इस व्हाइट वाले प्लेन में रखते हो तो उसे वर्टिकल कंपोनेंट तो असली वाला मिलता है, एक्चुअल वाला मिलता है, लेकिन उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल वाला नहीं मिलता। उसे कौन सा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा? ये वाला, ये वाला। तो मैं इसे बी एच डैश कह सकता हूं, जो कि हो जाएगी बी एच कॉस अल्फा। तो अब उसे लगेगा कि हॉरिजॉन्टल में इतनी फील्ड है, वर्टिकल में इतनी फील्ड है, तो वो इसके हिसाब से क्या कर देगी? पॉइंट कर देगी इस तरह से कुछ, बी मानते हुए। तो यहां से आपको मिलेगा डेल्टा डैश, या मैं इसे डेल्टा वन कह देता हूं, डेल्टा वन। तो क्लियरली आप यहां से लिख सकते हो कि टेन ऑफ डेल्टा वन
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि बी वी अपॉन बी एच डैश। तो ये जो डेल्टा वन है ये कहलाता है एपरेंट डिप, डेल्टा वन ये कहलाता है आपका एपरेंट डिप। समझ आई बात, कोई समस्या यहां तक? तो एपरेंट डिप क्या है, एपरेंट डिप सिर्फ ये है कि प्लेन बदलने की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाता है, जिसकी वजह से जितना डिप होना चाहिए उससे ज्यादा डिप होगा कम होगा, ये भी सवाल आ सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक्चुअल किसी जगह पे डिप डेल्टा है और मैं उस प्लेन में ना होके किसी और प्लेन में अपने डिप सर्कल को रख देता हूँ, तो इस समय जो एपरेंट डिप आएगी वो एक्चुअल डिप से ज्यादा आई होगी या कम आई होगी? आप क्लियरली देख सकते हो बी एच डैश जो है वो बी एच से छोटा होगा, है कि नहीं? तो नीचे वाली टर्म छोटी है, डेल्टा वन कैसा होगा बड़ा होगा, तो डेल्टा वन कैसा होगा बड़ा होगा। तो ये भी लिख लो कि एपरेंट डिप जो होती है, एपरेंट डिप is greater than actual dip. तो बात आती है कि इससे हुआ क्या, क्या आपको एक्चुअल डिप मिल गई? नहीं, तो कहां मिली हमें? तो apparent dip मिली, अभी भी काम नहीं हुआ। और बात यह है कि आपको अल्फा वन पता है क्या? अगर पता होता तो अपने डिप सर्कल को उतने से घुमा के सीधे मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं चले जाते, तो ये तो आपको पता ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, ये है हमारा स्टेप वन, ठीक है? मैं इसे इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ, इसको मैं स्टेटमेंट्स में भी आगे चल के लिखा दूंगा, अभी बस उसका डेरिवेशन टाइप लिख लेता है। नहीं भाई, असली चीज का कॉम्पोनेंट लिया जाता है अपेरेंट जगह पर, एक्चुअली फील्ड तो बी एच में ही है, तो आप उसी का कंपोनेंट ले सकते हो दुनिया में हर जगह। अगर आप उल्टा लोगे तो वो तो फिर आपको सेक लिखना चाहिए। नहीं समझ आया? कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है फिर तो हर चीज के लिए ये लिख सकते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट आप बोलते हो ए कॉस थीटा, तो आप ये भी तो कह सकते हो ए कॉस थीटा बराबर ए, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, ए कॉस थीटा का उधर ले लो कंपोनेंट। ए मेरे भाई, पर कंपोनेंट तो ले ही सकते हो ना उस लॉजिक से, तो नहीं कर पाते ना। और बी एच डैश का भी तो मैग्नीट्यूड कम ही हो गया अगर वो लॉजिक है तो, है ना? चलो हाँ वो तो है ही, पर उसकी वैल्यू नहीं पता ना हमको, अल्फा वन नहीं पता आपको। पहले तो आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, तो फिर सवाल ही क्या बचा? अगर मैग्नेटिक मेरिडियन हमें पता ही होता तो हम डिप सर्कल को गलत जगह रखते ही क्यों? ये असली जीवन की समस्या है, समझ रहे हो? अभी अभी तुमसे कह दूं मैं, बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, क्या पता? पर डिप सर्कल दे दें तो रख के देख तो सकते हो कितनी डिप आ रही है। तो पहला स्टेप आपने ये किया, जो भी डिप आई उसे नोट कर लिया आपने, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ, ठीक है? तो ये आपका स्टेप वन है, यहाँ लिख भी देते हैं। स्टेप वन ये था, प्लेस डिप सर्कल एट एनी एंगल अल्फा वन विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, घर ले गए थे तुम? तुम ही में से कोई एक है। चलो स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू हो जाएगा रोटेट द डिप सर्कल, रोटेट
द डिप सर्कल, डिप सर्कल बाय 90 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन. ठीक है भाई, अब सिचुएशन क्या होगी? अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि मैं प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है. हाँ वो हमें नहीं, यही तो है कि ये प्रैक्टिकल है, तो आप घूमने वाला इधर भी घूम सकता है, घूमने वाला उधर भी घूम सकता है, उसे पता ही नहीं मैग्नेटिक मेरिडियन है कहाँ, तो कहीं भी घूम सकता है. तो दोनों से सेम ही रिजल्ट आता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, इससे हाँ ये बात तो सही है, पर कर सकते हो, पर इतना दिमाग नहीं लगा रहे ना लोग, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है, तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाओगे, कहीं भी घूम जाओ नहीं फर्क पड़ा, है ना. देखो आप रिजल्ट तक तो जाने दो. अब मान लो कि मैंने इस तरह से घुमा लिया, क्या लेना चाहते हो बताओ, प्लस के माइनस? प्लस ले लेते हैं, कंपोनेंट लेना विचित्र हो जाएगा थोड़ा यार, क्यों डायग्राम दुखी कर रहे हो, वो उधर बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 90 माइनस अल्फा वन. अरे सेम आएगा, देखना ना अभी क्यों सेम आएगा, वो समझ जाओगे तो फिर मान भी लोगे. ये देखो, ये बी एच है और ये बी वर्टिकल. अब फिर से ये जो नया प्लेन आपने घूमने के बाद प्राप्त किया है, इसमें भी वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या होगा, पर हॉरिजॉन्टल बदल चुका है. तो अब ये कुछ इस तरह से बी नेट बनाएगा और ये होगा आपका कोई डेल्टा टू. तो डेल्टा टू भी एक एपरेंट डिप है. आप टेन डेल्टा टू, या पहले मैं लिख देता हूं इधर की तरफ जो आया, बी एच डबल डैश लिख दिया मैंने, तो बी एच डबल डैश ये सिंपली हो जाएगा बी एच कॉस 90 माइनस अल्फा वन. अब अगर इसकी जगह 90 प्लस अल्फा वन होता तो क्या बदलाव आ जाता, साइन में चेंज आता. साइन में चेंज आने से इस मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ आई बात? तो बस यहां हम लिख देंगे कि बी एच डबल डैश इज बी एच साइन अल्फा वन. ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई. यहां से मैं निकाल दूंगा 10 डेल्टा 2, जो कि आपकी अपरेंट डिप है, वो हो जाएगी बी वी बाय बी एच डबल डैश. समझ आया? अब एक्चुअली 10 डेल्टा है क्या, यहां पे लिख भी दो, डेल्टा 2 इज सेकंड अपरेंट डिप. अब आप जानते हो एक्चुअल डिप क्या होनी चाहिए थी, ये तो पता ही है. एक्चुअल डिप जिसे मैं बोल रहा हूँ डेल्टा, वो होनी चाहिए थी 10 डेल्टा. बेसिकली ये होना चाहिए था बी वी बाय बी एच. समझ आया? तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है वो देखते हैं जरा. हमारे पास आ चुका है, तो वी हैव, लिखूं कि समझ गए? समझ गए. आपके पास आया है 10 ऑफ डेल्टा वन, ये होगा बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा वन. अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ. आपके पास है 10 ऑफ डेल्टा टू, यह है बी वी अपॉन बी एच साइन अल्फा वन. और आपके पास है 10 डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच. अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिर्फ एक रीडिंग आप ले पा रहे थे, वो थी एंगल ऑफ डिप की. यानी डेल्टा वन आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर पा रहे थे, डेल्टा टू कैलकुलेट कर पा रहे थे, और आपको डेल्टा निकालना है, अल्फा वन को आपको एलिमिनेट करना है. तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या करना पड़ेगा? उल्टा करो, स्क्वायर करो, ऐड करो. ठीक है ना? तो वहां से आपको ये मिलेगा बेसिकली कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू. ये होना चाहिए कॉट स्क्वायर डेल्टा, होना चाहिए यानी. आगे अगर आपको पहली अपरेंट डिप पता है, अगर आपको दूसरी, अब चाहो तो निकाल सकते हो. ठीक है ना? अब तो निकल जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा वन दिया नहीं रहेगा,
अल्फा वन फाइनली आपको जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि डिप सर्कल को जब एक जगह पे रखा तो जो डिप आ रही थी, अब वो ये भी नहीं कहेंगे कि अपरेंट डिप आ रही थी, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा बताया जाए, वो कह देंगे एक जगह पे हमने डिप सर्कल को रखा तो जो डिप आई वो आई मान लो 37 डिग्री, फिर जब हमने डिप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट किया, ये कीवर्ड होगा जिससे आप समझोगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ये टर्म बोली जाएगी कि अब हमने अपने डिप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट किया तो अब जो डिप आई वो मान लो 53 डिग्री आ गई, तो बताओ उस जगह पे एक्चुअल डिप कितनी थी। सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके cos स्क्वायर 37, cot स्क्वायर 37 डिग्री, cot स्क्वायर 53 डिग्री। अरे तुम्हारा अलग हो गया, लाओ दे दो क्वेश्चन निकालो ना, कर ही लेते हैं। वो इन्होंने शायद इसका एक पार्ट पूछ लिया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये फाइनल नहीं प्रोडक्ट पूछ रहा BH नहीं पता ना, कुछ भी नहीं पता हमें तो, ना BH पता है, ना BV पता है, ना अल्फा वन पता है, कुछ नहीं पता। कहाँ निकाला है वो, कह रहा है कि अल्फा वन निकाल सकते हो BH और BV के टर्म्स में अगर निकालना चाहोगे। अरे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे आएगा? हाँ उससे भी निकल जाएगा पॉइंट। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। नहीं करते ना, पता नहीं क्यों नहीं करते। हाँ ले ओ। अरे यार कितना कचरा सवाल है ये तो। अल्फा वन दे दिया तो क्या ही है, हेलो लिख लो क्वेश्चन क्लास नोट्स में कर लो, ताकि मैं अगले साल बोल पाऊँ कि नोट्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। लिख लो एट 37 डिग्री विथ द मैग्नेटिक मेरिडियन, द अपेरेंट डिप इज 60 डिग्री। Find the true depth. HCV में इसके ऊपर क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया उसके ऊपर HCV में क्वेश्चन मिल जाएंगे दो तीन, सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम से जो चैप्टर है। हाँ वही तो, इतने बड़े चैप्टर है, जो भी आ रहा है। ऑनलाइन में आ गया, कितने लोग आया? किसी का नहीं आया? किसने क्या है? हो गया। अरे इसमें क्या दिया है आपको? एपरेंट डिप दिया है। तो टेन डेल्टा वन बेसिकली जैसे दे दिया है, होता क्या था, होता था बीवी अपॉन बी एच डैश, यानी बीवी अपॉन बी एच कॉस एल, जो भी एंगल बीच का कॉस अल्फा, अल्फा दिया हुआ है और बीवी वाय बी एच क्या होता है, टेन डेल्टा हो जाता है एक्चुअल डिप अपॉन कॉस 37 डिग्री, है ना। ये आपको दिया गया है टेन डेल्टा वन, टेन डेल्टा वन यानी कि टेन 60 डिग्री, ये होना चाहिए टेन डेल्टा अपॉन कॉस 37 डिग्री। डेल्टा आपके पास क्या आ गया, टेन इनवर्स और रूट 3/5। कोई दिक्कत ऐसी भी है किसी पे बोलना, उसमें वो जो एपरेंट डिप वाला लाओ मुझे ही दे दो।
पेज नंबर 286। इसमें नहीं दिया, दिख रहा है कोई क्वेश्चन अपरेंट वाला? ना ना इसमें नहीं, किसके और में? ये रहा परमानेंट मैग्नेट्स में दिया है। ये रहा क्वेश्चन, लिख लो। A dip circle needle shows apparent dip of 45 degree and 53 degree when rotated by 90 degree. Find true dip. Then what? हो गया सर 15 39 डिग्री। वही हो वो, नहीं पता चलेगा वो तो कैलकुलेटर से किया होगा। 39 कैसे निकला? मैं तो कोई तरीका भी नहीं होगा ना, क्योंकि 37 की पता है। कुछ बनी नहीं रहा यार, दूसरी क्लास की तो फिजिक्स उतना तो अपन सोचते ही नहीं। हाँ भाई हो गया, बहुत भारी सवाल था। कॉट स्क्वायर आ गया, हुआ तुम लोगों से? हुआ कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर किसका गलत हो गया? कैसे अरे राम, मतलब गलती किसी में भी कर सकते। चलो बस एक ही सवाल, चलो ये भी एक है क्या, उसमें डाउट है क्या? अच्छा है क्या? चलो ये वाला कर लेते हैं पहले, ये सही लग रहा है, मतलब सही है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, तो अ डिप सर्कल नीडल शोज 60 डिग्री डिप डिप सर्कल नीडल व्हेन प्लेस्ड इन अ प्लेन एट 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन shows dip of tan inverse 2/√3 find actual dip. इतनी जल्दी सही है? क्वेश्चन
रामायण की बना दिया बस, ये तो मैंने कितना शॉर्ट करके लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का है इसकी। द माइटिंग नीडल फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन, उसको अपन ने लिख लिया डिप सर्कल, ठीक, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, हमने लिख दिया इन अ प्लेन मेकिंग 60 डिग्री। इफ द नीडल स्टेज इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 10√3 विद द हॉरिजॉन्टल, हमने कह दिया डिप। लैंग्वेज हो गया सबका, करो कोशिश तो करो। हो गया सर, हो गया, तो आपको सब दिया ही हुआ है, आपको क्या बताना है, सिर्फ टेन डेल्टा बताना है, तो आप क्या यूज कर लोगे, 10√1, ये बेसिकली BV/BH cos α1, तो 10√ एक्चुअल डिप जो BV/BH होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10√1 इंटू कॉस अल्फा 1, है ना, 2√3 इंटू कॉस 1/√3 डेल्टा आ गया आपका 30 डिग्री। और यहाँ खत्म हो जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म, अगली हेडिंग लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इससे पहले आया था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या पर्पस था गैल्वेनोमीटर का, मीटर बनाने के लिए और वोल्ट मीटर बनाने के लिए, पर इसकी एक समस्या भी थी, क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, थोड़ा सा ही करंट जो होता है इसी को सिर्फ ये बता पाता, ज्यादा करंट ये नहीं बता पाता, तो भी काम कैसे करता है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में डायग्राम देखो सीधा, इसमें क्या किया जाता है, दो मैग्नेट्स ली जाती हैं, ऑब्वियसली ये छोटी होती है साइज में, पर यहाँ हम बड़ी बना रहे हैं, पर मैग्नेट का शेप ऐसा रखा जाता है, उसका कारण क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, अच्छा ये इनटू द स्क्रीन भी जा रही है, तो बीच में एक हॉलो सिलेंडर जैसा रीजन बन रहा है, लोग इसे सर्कल समझने लगते हैं, तो एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा, तो मैं बताऊंगा क्या डाउट है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऑब्वियसली नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में घुस जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह रहने वाली है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसका सवाल था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कट नहीं करती, इसमें कट क्यों कर रही, तुम्हारा भी क्या कारण होगा, ये लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के पीछे है, 3D डायग्राम है, इसलिए मैंने कहा सिलेंड्रिकल रीजन है बीच में, एक ऐसे तो दूसरी ऐसे, ये कट नहीं कर रही है आगे पीछे है। इस तरह की फील्ड लाइंस रहती है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ड्रम होता है, ड्रम जो कि सिलेंडर टाइप का होता है, और इसके ऊपर एक कॉयल को बांधा जाता है, तो आपके मेन सर्किट से जो करंट आएगा वो उसी कॉयल में फ्लो करेगा जो कि ड्रम के ऊपर बांधी गई है। ड्रम से अटैच्ड होती है एक स्प्रिंग। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये पीछे वॉल टाइप है और एक स्प्रिंग है। अब अगर आपने बचपन में उल्टे सीधे काम किए तो ये आपको समझ बहुत जल्दी आ जाएगा। इस स्प्रिंग से अगर एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है और अगर आप इस स्प्रिंग को ट्विस्ट करो, आगे पीछे नहीं खींचना है, इसे घुमाना है, तो क्या ये घूम पाती है, क्यों नहीं घूमेगी, स्प्रिंग है ना यार, ऐसे रिजिड चीज थोड़ी है, घूम पाएगी नहीं घूम पाएगी, घूमेगी। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग अभी भी आपके पास हो, अगर किसी के पास, तो उसको घुमा के देखो और छोड़ो, तो क्या होगा, इसको अगर हम घुमाएंगे तो स्प्रिंग अपना नेचुरल शेप रिगेन करने के लिए इसके ऊपर फोर्स जरूर लगाएगी, पर जैसे आप छोड़ोगे वापस से ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। सेम चीज यहाँ पर होती है,
जैसे ही इसके अंदर जो ड्रम है उसके ऊपर जो लूप बनाया गया उसके अंदर करंट जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग वायर में, सॉरी, अगर एक करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स, फोर्स जीरो होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, ये लाइन लिखाई है मैंने, तो क्या लगता है? टॉर्क, क्योंकि तभी चीज घूमती है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक नेट टॉर्क लगता है। टॉर्क की वजह से वो ड्रम घूमना शुरू होता है, लेकिन वो कब तक घूमेगा? जब तक नेचुरल शेप तक दी गई है। इक्विलिब्रियम किसके साथ? स्प्रिंग के फोर्स के साथ। स्प्रिंग भी मेहनत कर रही है कि नहीं घुमाऊ मत मुझे, है कि नहीं, तो वो उल्टा फोर्स लगा रही है। तो जहां पे वो दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं, जहां पे वो दोनों टॉर्क बैलेंस होते हैं, वहां तक आपका ड्रम घूमता है। अब क्या होगा, जैसे करंट बंद हो जाएगा, ड्रम वापस से अपने शेप में आ जाएगा। तो अब इसे रीडिंग कैसे होती है? तो ऐसा सोच के देखो कि ड्रम के आगे मैंने लगा दी एक नीडल, तो अगर ड्रम घूमेगा तो ये नीडल भी घूमेगी। अब मान लो मैंने एक एम्पियर करंट फ्लो कराया, और गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला आपको पता है एमीटर के लिए क्या था? अरे यार, I is equal to Ig 1 plus Rg by S. बापरे, ऐसा ब्रांड न्यू है ना तुम्हारे लिए तो। अरे शंट वाला फॉर्मूला मीटर बनाते हैं जब इसको। तो आपको ये पता है कि मैंने एक एम्पियर करंट भेजा है और गैल्वेनोमीटर की नीडल घूमेगी, तो जहां पॉइंट करेगी उससे आपको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पता लगेगी। ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो लूप के ऊपर मैग्नेटिक टॉर्क कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा टॉर्क होगा तो ड्रम ज्यादा घूमेगा, ड्रम ज्यादा घूमेगा तो उस पर चिपकी हुई नीडल भी, तो आपकी करंट की रीडिंग भी कैसी आएगी? ये वर्किंग होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा था उस समय नहीं पढ़ा सकते थे। क्यों? क्योंकि इसके लिए पता होना जरूरी है कि करंट कैरिंग लूप के ऊपर मैग्नेटिक टॉर्क लगता है कि नहीं। देखिए, तो ऑनलाइन वालों को समझ आया क्या? Yes. Yes, sir. आदित्य नहीं होगा, कोई डाउट तो पूछ लेना भाई अगर तुम हो कहीं। ये लो, एब्सेंट कैसे हो गया वो क्लास में, मिस कर दी क्लास। चलो, ये आपका ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम है, इनटू द स्क्रीन जा रहा है, तो लूप को रखा जाता है कुछ इस तरह। कैसा ये लूप? ऐसा सिलेंडर होगा ना, ऐसा कुछ सिलेंडर होता है, तो वायर उसमें ऐसे बंधे हुए हैं। लगा लेते समझ आ रहा है? ऐसे बंधा हुआ है पूरे में। Yes, sir. इससे क्या होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा? हमेशा इसके प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की। अब पता है इसका शेप ऐसा क्यों लिया गया? ताकि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आए वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट से परपेंडिकुलर आए। तो ड्रम आपका कितना भी घुमा होगा या उसका मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर जरूर मिल जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये लॉजिक है। तभी तो घूम रहा है। चलो, क्या अब उसका नाम मैं नहीं जानता, कोई महान आदमी होगा। ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये सारे डायग्राम बनाने हैं, ठीक है ना? ये स्प्रिंग हो गई, ये आपका ड्रम हो गया, ये आपकी नीडल हो गई जो कि पॉइंट करेगी चीजों की तरफ। तो सबसे पहले तो क्या लिख दोगे? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग, यार इसकी थ्योरी लिखाऊंगा मैं,
पॉइंट्स लिखा दो, पॉइंट्स लिख देता हूँ, बाकी बोर्ड के पहले पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो अपन शॉर्टकट में पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। द मैग्नेट्स प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, wires are wound on the cylindrical drum to form a loop. पीछे वाले पोर्शन ऐसा समझो ना, ये स्प्रिंग है, यहाँ ड्रम है, यहाँ नीडल है, जैसी फील्ड की वजह से ये घूमेगा ड्रम, तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी ना, और नीडल ऐसे घूम रही है, कहीं जाके रुक जाएगा, जैसे करंट बंद करोगे स्प्रिंग वापस से फोर्स लगेगी, ड्रम ऐसे घूमेगा, नीडल वापस ही रुकना चाहिए, लूप तो बनाना पड़ेगा ना। कैसे लगाए थे? अगर आप ऐसे लगाते, कर्व सरफेस एरिया पे लगाते, तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता ना, फिर टॉर्क ही नहीं होता। चलो अब क्या बताएं, ड्रॉप से पुराना लेना देना, ठीक है, ये वाउंड हो गया। इसके बाद क्या करते हैं? हाँ लिख लो, अ रीस्टोरिंग स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट के, ये बेसिकली बोलना चाहिए टॉर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि वो घूमने से रिलेटेड होता है, तो ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं शब्दों में। अब इन्होंने क्या लिखा है वो देख लेते हैं, के को क्या लिखा है, लिखा ही नहीं है टॉर्शनल कांस्टेंट, बिल्कुल सही वर्मा जी, आप गलत हो ही नहीं सकते, टॉर्शनल कांस्टेंट याद है, सी थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, तो वो टॉर्शनल कांस्टेंट सी होता है ना, यहाँ पे के ले लिया, तो रीस्टोरिंग टॉर्शनल कांस्टेंट जिसका के है इज अटैच्ड टू द ड्रम, टू द ड्रम, करंट इन लूप कॉजेज टॉर्क ऑन ड्रम and drum rotates till torque is balanced, till torque is balanced by the spring, spring से जब तक balance नहीं हो जाता, the needle attached to the drum points in the calibrated reading, points towards the calibrated reading. समझ आया? अब आ जाते हैं असली चीजों के ऊपर, जो है लिख लो, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ क्या हो जाता है भाई, एम क्रॉस बी, या क्या कह सकता हूं इसे, एन आई ए क्रॉस बी, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए वेक्टर है एरिया वेक्टर। सिमिलरली टॉर्क बाय स्प्रिंग इफ इट इज रोटेटेड बाय थीटा,
के थीटा एट इक्विलिब्रियम के थीटा हो जाएगा एन आई ए बी साइन 90 डिग्री मैग्नेट के शेप की वजह से ताकि झंझट हट जाए, तो ये एन आई ए बी। तो यहां से आपको मिलता है आई इज इक्वल टू के थीटा एन ए बी, ऐसे लिखा जाता है के बाय एन ए बी इंटू थीटा। तो आपको समझ आता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ आया? बोला ना कि फील्ड लाइंस हमेशा एक ना एक फील्ड आपको जरूर मिलेगी जो लूप के परपेंडिकुलर रहेगी, तभी तो ऐसा शेप लिया ताकि सेंटर से पास होने हुई होती हुई नहीं लगती, जैसे फील्ड हमेशा सेंटर से पास करती हुई नॉर्मली होती है ना। अब आपका जो प्लेन होगा उससे नॉर्मल एक ना एक फील्ड तो आएगी आएगी, और बाकी सारी फील्ड बेसिकली क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा उसका कि उस समय पर कितना है। पर दिक्कत ये है कि आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बना लिया तो अब अंदर घुस के देख थोड़ी सकते हो एंगल कितना है फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच, इसलिए उसे कांस्टेंट कर दिया सीधे। तो आप यहाँ लिख भी लेना कांस्टेंट ड्यू टू द शेप ऑफ मैग्नेट। अब यहां पे आप देखो तो वेरिएबल सिर्फ क्या है, आई और थीटा है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल है। तो अब समझ आया कि बहुत ज्यादा करंट की रीडिंग है क्यों नहीं दे पाता, एक लिमिटेड डिफ्लेक्शन शो कर सकता है ये। और आपको बहुत छोटे से करंट के चेंज, खास बात यह है कि बहुत छोटा सा भी करंट में चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखे जाते हैं, तो उस पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है, ना कि काफी बड़े करंट्स को ये झेल सके इसलिए। ठीक है, तो यहाँ ये जो टर्म है ये पूरी तरह से कॉन्स्टेंट है किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, स्प्रिंग फिक्स है, एन फिक्स है, ए फिक्स है, बी फिक्स है, तो इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। एक टर्म और होती है जो कि मेंस में ही पूछी जा सकती है, वो है सेंसिटिविटी। ऐड देखा होगा तुमने, देखा सेंसोडाइन का ऐड, टीवी भी देखते क्या, क्या करते हो, टीवी बंद कर दे, मोबाइल दे दिया कौन सा फोन है, कोई सा भी है, नेट चलता है क्या, नेट पैक दिलाते हैं वो बाप उनको, और टीवी भी चला तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप क्यों कष्ट झेल रहे हो, वो भी तो नहीं देख पा रहे होंगे आजकल दुनिया शिफ्ट ही हो गई फोन पे, आता भी क्या है टीवी पे मुझे लगा ससुराल से मेरे को बोला बोला सेंसिटिविटी। हाँ, सेंसिटिविटी बेसिकली ये बताता है कि आपके गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। आपने छोटा सा चेंज किया और गैल्वेनोमीटर में बड़ा सा चेंज आपको दिखा, यानी आपका गैल्वेनोमीटर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। पर आपने करंट में चेंज किया और निडल हिली नहीं जरा भी, तो मतलब तो यार क्योंकि उन्होंने हेडिंग उसमें लिख दी है, थ्योरी है इसकी है, हम तो सीक्वेंस से चल रहे हैं, क्या करें, वहां पढ़ा देते तो कैसे पढ़ाते बताओ, कितने डाउट होते होते नहीं, टॉर्क कहाँ से आया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 90 डिग्री क्यों है ना, तो वो सबसे बचने के लिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, सेंसिटिविटी बेसिकली डिफाइन कर दी जाती है थीटा अपॉन आई, उल्टा कर दो बस उसे, एन ए बी बाय के, ये भी फिक्स होती है किसी गैल्वेनोमीटर के लिए,
बस अच्छा हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन आए इसके ऊपर क्या चीज, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो दुनिया में हर चीज होती है पर हमारे सिलेबस में नहीं है वो। टेम्परेचर चेंज करने से लूप के वायर का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो तुम कहोगे करंट बदल जाएगा, तो रीडिंग बदल जाएगी, और वो सब भयानक चीजें हो जाएंगी। इसीलिए ना, क्योंकि हीट हो जाएगा तो फिर रीडिंग सही नहीं आएगी। बिल्कुल, उस सबका ध्यान प्रैक्टिकल में रखते हैं। लिख लो क्वेश्चन, खत्म हो गया चैप्टर, टाइम पास चल रहा है बस, समझ रहे ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न कॉइल, of size 2 cm by 2 cm, B है 0.5 टेस्ला, find torque of magnetic field on the loop when 20 milliampere current is passed through it. बताइए जी, हो गया सर, हो गया, क्या आया? 2 × 10⁻⁴, तो टॉर्क सिंपली क्या हो जाता है, एन आई ए। नंबर ऑफ टर्न्स आई, एरिया बी, भूल गया मैं यूनिट, कोई डाउट? वैसी वर्मा जी ने एक सवाल दिया इसके ऊपर, तो इसमें एक मैग्नेटोमीटर भी दिया हुआ पर यार वो सिलेबस में तो नहीं है, तो क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना वो भी, वो तो कतई नहीं है दोस्त, वो तो कतई नहीं है। वेंडेग्राफ जनरेटर होगा मॉडल में जो, पर सिलेबस में तो नहीं है जहां तक मुझे पता। तो अपना बाकी है एक तो पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक,
उसके बाद अपना बाकी है साइक्लोट्रॉन, उसके बाद अपना बाकी है तो बेकार चीजें ही बाकी, कौन सी चूज करें बताओ, साइक्लोट्रॉन एक काम करेंगे, ये क्या कहते हैं उसे यार, अरे यार पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, तो इसमें जो कर्व बनता है ना कर्व देखा तो रिटेंशन और ये सब ट्रांसफार्मर के लॉस होते हैं, सुना होगा ना ट्रांसफार्मर, उसके अंदर लॉस होता है ना हिस्टेरेसिस लॉस ट्रांसफार्मर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ साइक्लोट्रॉन तो हम पढ़ लेते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी हम पढ़ लेते हैं, कितना बचा कुछ नहीं बचा, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ चुके हो या पढ़ाई देखते हैं हाँ वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है अपने, ठीक है तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है बताइए, वो तो इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन शूट करती है, तो रिपीटेड एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही, उससे एक्सेलरेशन होता है तो उसे एक पार्टिकल एक्सेलरेटर कहा जाता है, टीवी शो है फ्लैश, किसी ने देखा फ्लैश, एक सुपर हीरो है ना, उस पर एक शो भी है फ्लैश, एरो के बाद आया था एरो देखा, उसी के बाद तो फ्लैश आया था, छोड़ दिया क्यों, अच्छा पढ़ाई भी तो करनी थी तो फ्लैश जो फ्लैश बना था वो इसलिए बना था क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेटर टूट गया, उसकी सारी ऊर्जा फ्लैश में घुस गई, समझ आया, तो लिख लो साइक्लोट्रॉन इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, अब मुझे एक बात बताइए, अरे बात मत करो, क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है, सर्कुलर मोशन में करवा सकती है, ऑब्वियसली सर्कल में घुमाती है यार, तो सर्कल एक्सेलरेटेड मोशन ही तो होता है, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड बदल सकती है, नो सर, नो सर, ऐसा क्या रहता है, जीरो रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं चेंज कर सकते, अब यहाँ एक्सेलरेटर बनाने का मतलब यह है कि स्पीड बढ़ानी है, क्या होता है जब आप कोई भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन कराना चाह रहे हो या किसी भी तरह का कुछ भी मॉडर्न फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो और आपको अगर एक फास्ट मूविंग पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए आपको उसे एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, है ना, और किस में कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कराना पड़ेगा, तो बात यह है कि हमें स्पीड चाहिए होती है 2 to the power 5 meter per second, 2 to the power 6 meter per second, तो ये स्पीड बहुत हाई है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लूँ या एक प्रोटॉन को ले लूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो उतनी स्पीड अचीव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तुम सोच के देखो ना 2 to the power 5 meter per second अगर कोई चल रहा है यहाँ तक पहुँच रहा है तो कितना लंबा डिस्टेंस आपको चाहिए होगा तब जाके उसकी स्पीड बढ़ पाएगी उतनी, तो कोई तरीका सोचा गया ताकि हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिसमें हम पार्टिकल को बहुत कम स्पीड देके एंटर तो करवाएं पर जब वो वहां से एग्जिट करे तो वो भयंकर रफ्तार के साथ एग्जिट करे, तो इसीलिए बनाया गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है बेसिकली, ये चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाता रहता है अपने अंदर और लगातार उसकी स्पीड भी बढ़ाता रहता है, अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, गोल घुमाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट, स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, यही वर्किंग है साइक्लोट्रॉन, पहले डायग्राम बना लेते हैं, कितनी ज्यादा रखोगे, एक क्षमता है ना हमारी भी, तो फिर फायदा प्रॉफिटेबल भी तो होना चाहिए, प्रॉफिट भी तो आना चाहिए कुछ,
अभी क्या बहुत बेसिक सी चीज है जिससे काम हो जाता है। क्या कहते हैं इसको, डिस्क होती है, काट दिया बीच से। अब एक हिस्सा जो बचा उसे क्या कहते हैं, डी। डी डी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बस अब इसमें क्या किया जाता है, देखो अब सीधी सी बात है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए कहीं ना कहीं, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाएगी और तभी पार्टिकल एक्सेलरेट हो पाएगा। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखते चलो, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ पार्टिकल। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये आपको याद रखना, यहां ये भी लिख लेना, बट कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज डायरेक्शन। क्या सेम आदमी ने दूसरी बार कराया क्या? क्या चाह रहे हो भाई, ऑफलाइन पसंद नहीं आया तुम्हें? तो तुम ठीक रहे हो, मास्क के अंदर या बाहर? प्रभु, अच्छा रुमाल, मुझे लगा कि मास्क हटा के फिर छींक के फिर पर्पज ही खत्म हो गया। क्या जमाना हो गया, सादा खांसी जुकाम से भी आदमी सोचने लग जाता है क्या हो गया। चलो तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, हम पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं पूरे रीजन में। और खास बात यह कि जो डीज हैं, ये कंडक्टिंग होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है, तो अंदर से होलो भी होती हैं। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? इनको अगर इधर से देखेंगे ना, जैसे यहां से देखो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, नहीं ऐसा गैप दिखेगा आपको, और ये इस तरह की कुछ डीज होंगी। अरे यार इतना सुंदर बनाया है कुछ, अब भी समझ नहीं आया ऐसे कुछ, अब तो बिल्कुल असली हो गया। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे क्या बोला जाए, जैसे क्या, जैसे ऐसे मान लो कि अंदर से खाली कोई चीज होती है ऐसी जो अंदर से खाली हो, गोल भी हो, खिलौने आते हैं बच्चों को मैंने देखे हैं, पर क्या कहते हैं, अरे समझ रहे हो ना, डिस्क जो अंदर से खोखली है ना, अंदर से खोखली है ताकि पार्टिकल अंदर घूम सके ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन लगा दी गई है, बढ़िया बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लाए, तो लोग क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, ये लो, और करने को है ही क्या हमारे पास, ये लीजिए। अगर मैंने ये बैटरी लगा दी, ठीक है, तो मेरे भाई ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीज के अंदर तो होगी नहीं, पर डीज के बीच में जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आ जाएगी। बिल्कुल, पर कैपेसिटर है, पर पार्टिकल अंदर भी जा सकता है, अभी उस पर मत जाओ। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और चाहो तो रेस्ट पे रख लो, फील्ड से फोर्स लगी जाएगा, या थोड़ी सी स्पीड दे दो, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, दिक्कत तो होता। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसके पास स्पीड आएगी, जैसे ही ये मैग्नेटिक रीजन के अंदर एंटर करेगा, वी क्रॉस बी से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये गोल घूमेगा,
यहाँ तक तो स्पीड बढ़ी ना इसकी, इससे पहले तक स्पीड बढ़ी, इस रीजन में स्पीड बढ़ती है, पर जैसे ही यहाँ पे एंटर किया अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, स्पीड बढ़ेगी डायरेक्शन नहीं, जैसे यहाँ से निकलेगा क्या फोर्स की डायरेक्शन अब उल्टी हो गई, तो स्पीड फिर जीरो हो जाएगी, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। लोगों ने कहा तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ये मत लगाओ, ये लगाओ, इसलिए नहीं पढ़ाया था हमने, समझ आ रही है। यह है ऑल्टरनेटिंग करंट, जी हाँ। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात होती है कि वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा होती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ आया, यानी कि हर टाइम पीरियड क्या आ गया 2π/ω, हर इतने टाइम के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाती है, यानी पोलैरिटी बदल जाती है। अच्छा, अब मान लो कि इस तरफ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पार्टिकल इस तरफ एंटर कर गया, फिर वो घूमेगा, लेकिन इस बार बढ़ी हुई स्पीड से घूमेगा, तो रेडियस थोड़ी सी बढ़ी आएगी, फिर यहाँ आएगा, लेकिन अब जैसे ही यहाँ आए इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से राइट में हो जानी चाहिए ताकि फिर से स्पीड बढ़े, फिर वो इस तरह से जाए, फिर जब वो इधर आए तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में हो जानी चाहिए, पर हम ये टाइम सेट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता। बात ये है कि स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एक डी में एंटर करने के बाद जो उसको बाहर निकलने का टाइम है वो फिक्स है 2π/bq। तो अगर उतने ही टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन बदलती रहे तो जब वो उधर से भी एंटर करेगा तो फिर से 2π/bq के बाद बाहर आएगा। तो इसी फ्रीक्वेंसी से अगर करंट की डायरेक्शन बदले, जितना टाइम लग रहा है बेसिकली जो पार्टिकल है आपका उसको डी से बाहर आने में, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। और लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्विच होते रहने से, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते रहने से, हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। तो सीधा सीधा चलने पर इसे बहुत डिस्टेंस चलना पड़ता तब जाके इसकी स्पीड बढ़ती, लेकिन अब धीमे धीमे चलने से मतलब एक ही जगह पे छोटे रीजन में बहुत ज्यादा घूमने से इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। एक समय पे आप क्या लगा देते हो, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एग्जिट पॉइंट लगा देते हो, आपका चार्ज पार्टिकल जब उस पॉइंट पे पहुंचता है तो साइक्लोट्रॉन के बाहर निकलता है और काफी ज्यादा एक्सेलरेटेड होता है। बात समझ आएगी नहीं? तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट की है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। खत्म हो गया टॉपिक, लिख लो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, वो लिख लो। ऑल्टरनेटिंग करंट कीप्स चेंजिंग द पोलैरिटी polarity of D's at a fixed interval with angular frequency omega। Time spent by charge in 1D is 2π/bq with omega bq/m. So if omega of supply is equal to omega of particle is equal to bq/m, तो हम ये कह देंगे particle keeps accelerating in electric field region between D's, जो बीच का region है सिर्फ उसमें, समझ आया। इसी फ्रीक्वेंसी को कह देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी।
लाइक फ्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड तो कांस्टेंट रहता है. हाँ कांस्टेंट रहता है तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट है ना. हाँ यस सर, क्योंकि हम लोगों ने वो करा था ना कि टाइम पीरियड मतलब. हाँ इसीलिए तो तभी तो ये फायदा हो पाया, वरना अगर टाइम अलग अलग लगता तो आप एक पर्टिकुलर नहीं लगा पाते, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती फिर. हाँ फिर अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो फिर स्पीड बढ़ती घटती है और फिर इफेक्टिव नहीं रहती होती. यस सर. ये आ गया हमारे पास दिक्कत. अच्छा ये पता है सबको कि पोटेंशियल डिफरेंस V अगर और चार्ज Q लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, ये पता है ना. और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, तो डीज के बीच का डिस्टेंस अगर दिया हो, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो. तो बेसिकली एक बार बीच वाला जो रीजन है उसे क्रॉस करने में पार्टिकल की एनर्जी कितनी बढ़ती है ये आप बता सकते हो, बता सकते हो ना. किसी पर क्वेश्चन आएगा किस चैप्टर में, किसी को पता है एचसीवी में क्वेश्चन आएगा. सवाल तो दे सकते हैं, क्या करना है. या एक काम करते हैं जो बेस्ट है हमारा कल के मेरे तो कल छुट्टी है परसों, तो तुम्हारे को क्या करने को बोला मैंने कुछ. अरे हाँ बनाना भी है. ऐसा कुछ कह रहे हैं मंडे को भी कोई दिक्कत नहीं है, मंडे भी लेना चाहें तो पेपर तो दूंगा ही मैं बोर्ड्स वाला. आज ये पेंड करते हैं अपना पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये बाकी है वो मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, जहाँ तक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए. रुक जाओ 10 मिनट बाकी है क्लास में, अभी पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक खत्म करने की कोशिश करेंगे. अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है हो ही जाएगा. और उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करेंट, 3 क्लास का चैप्टर है, मिस मत करना. एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन गारंटीड जो जेई में कर सकते हो वो अल्टरनेटिंग करंट. एक चीज को मैं 6 बार पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में, तुम सड़ जाओगे, तुम कहोगे अब मत बताइए दोबारा. पर मेरा काम है उस चीज को बताना और मैं फिर से बताऊंगा, समझ रहे हो. उसके बावजूद अगर समझ नहीं आए आगे तुम जानते हो क्या, ठीक है. 7 बार 6 बार या 7 बार एक ही चीज मेरे साथ क्या. हाँ क्वेश्चन आएगा उसी पर ऑब्वियसली यार, कैसी बात है विश्वास नहीं है साथ में. So, हाँ बोलो. तो अल्टरनेटिव करंट आप पढ़ाओगे उससे पहले कोई मतलब ऐसा एक दो चैप्टर है जिनका थोड़ा सा रिवीजन करना तो बेनिफिशियल रहेगा. अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एसएचएम. तो एक काम करेंगे उसके अंदर जब मैं फेजर बनाना सिखाऊंगा तो मैं आपको जितना रिक्वायरमेंट है एसएचएम का वो जरूर बता दूंगा. सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की रिक्वायरमेंट होती है बस उसमें. ओके सर. पर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. आप उसके लिए आप एसएचएम में मत चले जाना, आप अभी मैग्नेटिज्म कंप्लीट करो, उसमें जो भी रिक्वायर्ड होगा मैं ऑन द स्पॉट बता दूंगा, ठीक है. तो उसका टेंशन मत लो. ओके सर. चलो.